नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वाटसन वाटर फिल्टर के सारे पार्ट्स को कैसे एक दूसरे से फिक्स किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है और इसके रखरखाव संबंधित क्या-क्या सावधानियां हैं जिन्हें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात है कि हम पेयजल संबंधित कोई भी गतिविधि करते हैं तो हमें अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना आवश्यक है। मैंने अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धो लिया है। हम ये देखेंगे कि इस फिल्टर का जो सबसे नीचे वाला पात्र है इसको कैसे साफ किया जाता है। सबसे पहले मैं इस फिल्टर के ऊपरी पात्र को यहां से अलग कर लेता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बाहर की तरफ से पकड़ा हुआ है। हमें ध्यान रखना है कि अंदर की तरफ हमारा हाथ ना लगे। और दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ इसके नीचे तीन छेद हैं जिनसे कि पानी फिल्टर होके आता है। हम इसको खड़ा ना रखें, अन्यथा इसमें नीचे कोई अशुद्धि है तो वो इस जगह पे लग सकती है। तो हमें इसको आड़ा रखना है या फिर कहीं झुका के रखना है साफ जगह पे। अब हम इस नीचे वाले पात्र को साफ करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। आप इसी प्रक्रिया को एक बार फिर से दोहरा सकते हैं। जिससे कि आपके फिल्टर का नीचे वाला पात्र अच्छी तरह से साफ हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस दौरान मैंने अपने हाथों को इसके अंदर नहीं डाला है, तो हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि इस पात्र को भी जब भी आप साफ करें तब हमारे हाथ इसके अंदर ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि यह हमारा नीचे वाला पात्र अच्छी तरह से साफ हो चुका है। अब हम इसके ऊपरी पात्र को साफ करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर वाले पात्र को कैसे साफ किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाले पात्र को नीचे वाले पात्र के ऊपर ही रखा है। जब भी आप इसमें पानी डालें इसको हमेशा नीचे वाले पात्र के ऊपर ही रखें। अगर आप इसको नीचे कहीं भी रखते हैं तो इसके छेद में अशुद्धि जा सकती है जिससे कि नीचे वाला पानी भी दूषित हो सकता है। अब इसी प्रक्रिया को हम एक बार फिर से दोहराते हैं। फिल्टर के ऊपरी पात्र में पानी डालते समय पानी को हमेशा साइड में डालें। पानी को कैंडल पर ना डालें। याद रखें कि हर रोज इस ऊपर वाले फिल्टर को खंगालने की प्रक्रिया एक बार जरूर करें जिससे कि इसके अंदर लगे टेराफिल कैंडल के छिद्रों में किसी प्रकार की रुकावट ना आए और पानी के फिल्टर होने की गति बराबर बनी रहे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको भी बाहर से ही पकड़ा हुआ है, इसके अंदर हाथ नहीं डाला है और मैं इसे खंगाल कर साफ कर रहा हूं। देख सकते हैं कि फिल्टर का ऊपरी पात्र भी पूरी तरह से साफ हो चुका है। फिल्टर के ढक्कन को भी इसी तरह सावधानी पूर्वक साफ कर लें। अब हमारा फिल्टर पूरी तरह से साफ हो चुका है।